मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने कैबिनेट की बैठक में गरीब किसानों और युवाओं पर ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे इस वर्ग को बेहद खुशी होगी। जी हां, कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय लिए गए और सरकार ने कहा आज सभी वर्गों से जुड़े वचन को पूरा करने का फैसला किया जा रहा है। कुल मिलाकर शुक्रवार को आभार सम्मेलन भी हो रहा है जिसमें राहुल गांधी भोपाल आएंगे। कैबिनेट के जो निर्णय हुए हैं उसमें 21 से 30 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को काम दिया जाएगा। 21 से 30 साल के शहरी युवाओं का पंजीयन 10 फरवरी से शुरू होगा। इन्हें साल भर में 100 दिन का रोजगार मिलेगा। शुरुआती 10 दिनों के बाद 90 दिन प्रशिक्षण के समय काम करना होगा। इसके एवज में सरकार उन्हें 4000 रुपए महीना देगी। इससे 6.5 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा और योजना के दायरे में 2 लाख वार्षिक आय वाले परिवार ही आ पाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को भी खुश करने की कोशिश की है। प्रदेश के 19 लाख से ज्यादा किसानों को हर साल प्रति हॉर्स पावर बिजली बिल देना होगा। सरकार ने इंदिरा किसान ज्योति योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें 10 हॉर्स पावर तक के सिंचाई पंप उपयोगकर्ता किसानों को 1400 की बजाय 700 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष बिजली बिल लगेगा। 2 लाख अस्थायी पंप कनेक्शन उपभोक्ता भी योजना के दायरे में आ जाएंगे। सरकार ने एक और वचन निभाया है। उन्होंने कहा है कि 100 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को 1 रुपए यूनिट के हिसाब से 100 रुपए में बिजली देने का फैसला किया गया है। इस योजना से 62 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इसमें संबल और सरल योजना के हितग्राही लाभान्वित होंगे। अगले बिल बनने पर योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह सरकार द्वारा एक और वादा पूरा किया गया है। सरकार ने इंदिरा वृद्धावस्था पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को 600 रुपए पेंशन देने का फैसला किया है। अभी इन्हें 300 रुपए पेंशन मिल रही थी। 6 वर्ष से अधिक के मानसिक अविकसित बहुविकलांग बच्चों को भी 600 रुपए पेंशन दी जाएगी और इसका लाभ 40.37 लाख हितग्राहियों को मिलेगा। कुल मिलाकर कमलनाथ सरकार के इन वादों को आगामी लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।